Hello everyone welcome back to our channel this is madhuri taneja and in today's lecture we will continue chapter number 8 of civics that is market around us this is the lecture number 1 of this chapter in the previous lecture we discussed about the meaning of market where i told you that there are two concepts of market one the traditional concept according to which market is just a place for example sector 14 market other concept was the modern concept, according to which market is a mechanism. Today we are going to study some other topics from the same chapter. So, first of all, we have channels of distribution. Now, what this term means. Channels means the path a producer will use so that his product reaches the ultimate consumer. What it means? Ki channels. Kya hai? जो प्रोड्यूसर एक रास्ता एक पाथ यूज़ करेगा ताकि जो उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए नाउ द क्वेश्चन हेयर इज हु इज़ अ कंज्यूमर कई बार हम वर्ल्ड बायर यूज़ करते हैं कस्टमर यूज़ करते हैं कंज्यूमर यूज़ करते हैं व्हाट आर दिस टर्म्स बायर मीन्स जो सामान खरीद रहा है कस्टमर भी वही है लेकिन कंज्यूमर इज़ अ डिफरेंट टर्म वॉट इज़ द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर

वो पर्सन कंज्यूमर होता है मैंने सामान खरीदा आगे किसी और को सेल कर दिया तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ मैं सिर्फ बायर हूँ मैंने सामान ख़रीदा और उस सामान को खुद यूज़ किया तो मैं बायर तो हूँ बट मैं कंज्यूमर भी हूँ अब प्रोड्यूसर का, का काम क्या है प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दी अब वो कुछ ऐसे चैनल्स यूज़ करेगा सामान को सेल करने के लिए जिससे सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँच जाए कोई भी प्रोड्यूसर सामान बनाएगा तो ठीक है उसका पर्पस है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है बट कहीं ना कहीं ही विल थिंक ना कि वो किस मोड से किस तरीके से किस चैनल को यूज करके अपना सामान सेल करे ताकि जो उसका सामान है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए और वो प्रॉफिट अर्न कर ले सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पाथ दैट चैनल्स यूज बाय द प्रोड्यूसर नाउ वी हैव टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन डायरेक्ट चैनल्स एंड द अदर इन डायरेक्ट चैनल्स ना वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट चैनल्स डायरेक्ट चैनल विन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल्स द गुड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर सामान बनाएगा और खुद कंज्यूमर को सेल करेगा फॉर एग्जाम्पल आज कल बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं अपने रिटेल आउटलेट्स खोलती हैं रिटेल आउटलेट्स क्या होते हैं कि कोई रिटेलर अलग से नहीं है रिटेलर मीन्स जो कम क्वांटिटी में सामान सेल करता है दो होते हैं ना एक होल सेलर और एक रिटेलर होल सेलर होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेस करता है और ज़्यादा क्वांटिटी में ही सेल करता है वहाँ पे आपको लूज़ पीसेस नहीं मिलते पूरे पूरे कार्टनस मिलते हैं अगर आप होल सेलर से परचेज करो और रिटेलर कौन होता है जो होल सेलर से परचेज़ करके कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को कम कम क्वांटिटी में सेल करता है जो आपके घर के आसपास शॉप्स होती हैं वो सारे रिटेलर हैं बिकॉज़ वो होलसेलर से परचेज करते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटीज में हमें सेल करते हैं सो डायरेक्ट चैनल में अब क्या होगा जो प्रोड्यूसर है वो सीधा कस्टमर को और यू कैन से कंज्यूमर को सीधा सेल करेगा तो इस केस में एग्जाम्पल क्या है रिटेल आउटलेट्स बाय डिफरेंट कंपनीज कंपनीज अपने रिटेल आउटलेट्स खोलती हैं मीन्स एक रिटेलर की तरह है, जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्शन भी कर रही हैं और रिटेलर की तरह सीधा कंज्यूमर को सामान दे रही हैं मींस डायरेक्ट चैनल में बीच में कोई भी इंटरमीडियरी और यू कैन से मिडल नहीं है देर इज नो मिडल इन केस ऑफ डायरेक्ट चैनल प्रोड्यूसर विल डायरेक्टली सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर इसको आप ज़ीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो जीरो लेवल चैनल बिकॉज देयर इज नो मिडल मैन अब ना तो होलसेलर है ना रिटेलर है ना कोई सप्लायर है तो इस केस में जो सामान होता है वो कम प्राइस में कंज्यूमर को मिल जाता है बिकॉज अगर होलसेलर और रिटेलर होंगे तो वो अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऐड करेंगे इस केस में वो ऐड नहीं होगा प्रोड्यूसर ने सामान बनाया सपोज उसको एट रुपीज़ का सामान कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन एट रुपीज़ है प्रोड्यूसर ने टेन रुपीज़ में उसको सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि किसी कंपनी ने कुछ एट रुपीज़ में एक पेन बनाया और अपने ही रिटेल आउटलेट में टेन रुपी का सेल कर दिया दैट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट चैनल लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट चैनल करें तो उसमें क्या होगा प्रोड्यूसर और अ कंपनी जिन्होंने प्रोडक्शन करी एट रुपीज़ में सपोज सब, प्रोडक्शन करी और वो सारा का सारा लॉट जो प्रिपेयर हुआ प्रोड्यूस हुआ वो एक होलसेलर को सेल कर दिया होल सेलर ने एट रुपीज में खरीदा और यू कैन से कंपनी ने अगर एट में बनाया तो होल सेलर ने सपोज नाइन में खरीदा होल सेलर ने रिटेलर को टेन का बेचा क्योंकि वन रुपी होल सेलर भी अर्न करेगा फिर रिटेलर आगे कस्टमर को इलेवन या ट्वेल्व का देगा तो कस्टमर को इस केस में जो गुड्स हैं वो हाई प्राइजेस पर मिलेंगे सो इनडायरेक्ट चैनल्स आर दोज चैनल्स वेयर द इंटरमीडियरी और यू कैन से द मिडल मैन इज बियर मीन्स सीधा प्रोड्यूसर कस्टमर से डील नहीं कर रहा कंज्यूमर से डील नहीं कर रहा प्रोड्यूसर बीच में और भी पर्सनस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा इधर थ्री लेवल चैनल होगा इधर टू लेवल और वन लेवल वन लेवल कैसे होगा सपोज आपके पास प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है और बीच में रिटेलर है तो तीन लेवल हो गए ना प्रोड्यूसर देन रिटेलर देन कंज्यूमर ऐसा भी हो सकता है प्रोड्यूसर देन होलसेलर देन कंज्यूमर और इट कैन बी प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर देन कंज्यूमर इसके अंदर बीच में आपके पास दो आ गए दिस इज टू लेवल प्रोड्यूसर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर एंड देन रिटेलर टू कंज्यूमर दो मिडिलमैन हैं सो दिस इज टू लेवल चैनल देन वी हैव थ्री लेवल चैनल ऑल्सो वी आर स्टडिंग इन डायरेक्ट चैनल इनडायरेक्ट में आपके पास थ्री लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है उसमें क्या होगा प्रोड्यूसर पहले किसी एजेंट को सारा का सारा लॉट दे देगा लॉट मीन्स जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा एक एजेंट को देगा एजेंट क्या होता है एजेंट होता है जो हर एरिया का सारी की सारी प्रोडक्शन सपोज आपने सुना होगा एजेंसी वर्ल्ड कुछ पर्सनस कहते हैं ना हमने एजेंसी ले रखी है वॉट इट मीन्स सपोज किसी का सर्फ का बिजनेस है सर्फ की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं अब उनका मेन पर्पज़ क्या है कि हरियाणा में पंजाब में और यूपी में उन्हें अपना जो सर्फ है वो सेल करना है अब जो प्रोड्यूसर है वो तीनों स्टेट्स में ध्यान नहीं रख सकता तो प्रोड्यूसर ने क्या किया हर स्टेट में एक एजेंट बना दिया एजेंट बनाने का मतलब क्या है अब प्रोड्यूसर जो भी सामान बनाएगा सिर्फ उस एजेंट को ही देगा पंजाब वाले एजेंट को दे दिया यूपी वाले एजेंट को दे दिया अब पंजाब वाला एजेंट पंजाब के सभी होलसेलर को सेल करेगा मींस उस पर्सन के पास पंजाब में एजेंसी है किसकी एजेंसी उस पर्टिकुलर सर्फ की सो so, एजेंसी मीन्स जब एक एजेंट सारा का सारा सामान परचेज कर लेगा प्रोड्यूसर से एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो अब हम थ्री लेवल चैनल पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर विल सेल टू एजेंट एजेंट विल सेल टू होल सेलर होल सेलर विल सेल टू रिटेलर एंड रिटेलर विल सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर यहाँ तीन मिडलमैन हैं एजेंट होलसेलर रिटेलर तो ये लॉन्ग चैनल्स हैं इसके अंदर क्या है डिले भी हो सकता है क्योंकि आपको सामान देर में मिलेगा अब सपोज कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आर दो प्रोडक्ट्स जो खराब हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मिल्क मिल्क के लिए कौन सा चैनल यूज़ करेंगे ऑफकोर्स डायरेक्ट चैनल क्योंकि उसको आप होलसेलर रिटेलर तक अगर वो घूमता हुआ आएगा तो मिल्क तो खराब हो जाएगा राइट right? सिमिलरली अगर कोई बल्की गुड्स हैं हैंवी गुड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैवी अगर कुछ गुड्स हैं तो वो भी आपके डायरेक्ट चैनल से आते हैं ज़ीरो लेवल चैनल से आते हैं बिकॉज बल्कि गुड्स बार बार ट्रांसफ़र नहीं हो सकते लेकिन जो आपके एफ एम सी जी गुड्स हैं व्हाट आर एफ एम सी जी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हम डेली यूज करते हैं सॉप ऑयल टूथपेस्ट ये सब चीज़ें हमें हमारे डोर स्टेप पर चाहिए या डोर स्टेप के पास चाहिए अगर आपको एक सोप लेना है टूथपेस्ट लेना है तो आप प्रेफर करोगे कि आपको दूर जाना पड़े ऑफ कोर्स नॉट आप चाहते हो कि जो आपके घर के आसपास शॉप है वहीं मिल जाए तो ये सामान के लिए आप किसी भी प्रोड्यूसर के पास या होल के पास नहीं जाओगे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपके घर के आस मिल जाए तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए इनडायरेक्ट चैनल जिसमें होलसेलर रिटेलर और फिर कंज्यूमर्स आते हैं आई होप द टॉपिक ऑफ़ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्लियर इन डायरेक्ट चैनल सामान जल्दी अवेलेबल होगा और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कम ऐड होंगे तो कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन इन इनडायरेक्ट चैनल्स जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा बट सामान अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग घर के पास मिल जाएगा दिस इज अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन